हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, हेलो बायोलॉजी के इस सेशन में हम आज डिस्कस करेंगे इस साल नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को, यानी कि हम उनके आंसर्स को ढूंढेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। पर शुरू करने से पहले बस आपको क्या करना है, बस आपको ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले पेन ले लें। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन ब्लू। अरेंज दीज स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसकी जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर हमें दी गई हैं, हमें उन्हें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें आंसर, हमें स्टेप्स पता होनी चाहिए। पहली स्टेप दे रखी है यहाँ पे इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये तो लास्ट स्टेप हो गई, लास्ट स्टेप्स में से एक है, तो ये तो पहली स्टेप है नहीं। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाँ ये इनिशियल स्टेप का पार्ट है। फिर है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल और अंत में है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ठीक है, तो ये हमें स्टेप्स दी गई हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चलिए इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ पर हमने इन स्टेप्स को लिखने की कोशिश की है ताकि हम इजीली समझ पाएं। तो जो पहली स्टेप होती है ना, वो सबसे पहले होती है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड जीन। तो हमें उस ऑर्गेनिज्म को या उस जीन को आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब उसको पता करना होता है कि भैया ये वाला जो जीन है इसके अंदर है, हमें इस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करना है। उसके बाद आती है स्टेप आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। फ्रॉम दी सेल, तो सबसे पहले हमने यहां पर क्या किया, डिजायर डीएनए को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, फिर उसको ट्रीट करवाया, क्योंकि हमें पूरे डीएनए की नीड नहीं है, हमें स्पेसिफिक जीन की नीड है और हमने उस स्पेसिफिक जीन को मान लिया ये वाला, ठीक है, ये इसको हमने वो स्पेसिफिक जीन मान लिया। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे बाय द ट्रीटमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को कट करता है, ठीक है, और उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिकुलर सीजर। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, फर्स्ट सेकंड जो हमें क्वेश्चन में दिया रखा है। फिर हम उसको इलेक्ट्रोफोरेट भी कराते हैं, फोरेसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कराते हैं, ताकि ये जो हमें जो हमारे को जो जीन की नीड है हम उसको आइसोलेट कर सकें, ठीक है, उसको, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास एक बंच बन जाएगा ना, उसमें से कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, तो हमें इस प्रकार अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, वो है पीसीआर, कि हमारे पास एक जीन है, अब हम उसको जब तक एम्प्लीफाई नहीं करेंगे तब तक हमारे पास उसकी कॉपीज कहाँ से आएंगी, ठीक है, हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी हमारे पास कॉपीज हमें बढ़ानी है, तभी तो हम उसको फर्दर यूज कर पाएंगे, वरना एक कॉपी से कैसे काम चलेगा, नहीं। तो हम अब हमें उसका एम्प्लीफिकेशन कराना है। एम्प्लीफिकेशन करवाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, विच इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप होती है हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम कैसे बनाते हैं, हम प्लाज्मिड लेते हैं, हम क्या लेते हैं, प्लाज्मिड को लेते हैं और जो कलर चेंज कर लो, और जो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसमें हम इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लाइगेज एंजाइम की नीड होती है और यहाँ पर क्या
फ्रेगमेंट जो डिजायर डीएनए है और प्लाज्मिक डीएनए जो है उसको हम क्या करते हैं, आपस में उन दोनों का लाइगेशन कराते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो है लाइगेज। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराया जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म में और फिर हम इसको अलाउ करते हैं कल्चर के लिए। तो यहाँ पर हमारी पहली स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस से ट्रीटमेंट कराना और फिर पीसीआर, देन इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट सेल या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो हमें सीक्वेंस दिया गया है उसके अनुसार जो पहला स्टेप है विच इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए नंबर वन, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये है सी। फिर दूसरा स्टेप कौन सा है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन यानी कि बी। नेक्स्ट एम्प्लीफिकेशन यानी कि डी और फिर है इंसर्शन यानी कि ए। तो इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फोर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। तो क्वेश्चन में सिंपली पूछा गया है कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो किस स्टेज में होती है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ये जो ऑप्शंस हैं ये सेल साइकिल के ऑप्शन है। तो यदि हम बात करें सेल साइकिल की, सेल साइकिल, तो सेल साइकिल पर मुख्य रूप से दो फेज होते हैं, एम फेज और दूसरा फेज होता है इंटरफेज। वैसे इंटरफेज जो है वो पहले होता है, ठीक है। ये फर्स्ट फेज है और एम फेज सेकंड फेज है। तो ये जो इंटरफेज है, ठीक है, इंटरफेज में क्या होता है, ये प्रिपरेटरी फेज होता है। ये थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा क्या बहुत लंबा होता है। जैसे कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, ये शादी होता है, ब्याह होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी तैयारी बहुत टाइम से चलती है, लेकिन जो फंक्शन होता है वो एक दिन का होता है। इसी तरीके से इसकी टाइम कंज्यूमिंग जो है वो बहुत ज्यादा है और वो मेटाफेज जो है बहुत ही कम समय में हो जाता है। ये मेन डिविजन फेज होता है, फेज होता है। यहाँ पर इसमें जो इंटरफेज है उसमें पहला फेज होता है जी वन फेज, फिर आता है एस फेज, फिर आता है जी टू फेज, ठीक है। तो जो रेप्लिकेशन है डीएनए की वो इंटरफेज में होती है, तो ये ऑप्शन हमारा ऑलरेडी हट जाता है। अब बात करते हैं इन तीनों की कि इन तीनों में से किस फेज में होती है। तो चलिए सबसे पहले यदि हम बात करें जीवन फेज की, तो जीवन फेज के जो मुख्य, मतलब उसमें जो मुख्य कार्य होते हैं वो कुछ ये होते हैं। सबसे पहले सेल का ग्रो होना, सिंथेसिस होना प्रोटीन्स की और न्यूट्रिएंट्स की और एंजाइम्स की, जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें सिंथेसिस फेज यानी कि एस फेज में, ठीक है। मेन इवेंट्स, सेल ग्रो हो रही है, सेल ग्रो फिजिकली हो रही है यानी कि इतनी सेल थी तब अब वो फिजिकली ग्रो हो गई है, ठीक है, डिवीजन नहीं हो रहा है। ये दूसरा सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन की और न्यूट्रिएंट की, जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें सिंथेसिस फेज में, ठीक है। इसे हम फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं। यहां पर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी कॉपी भी बन रही है एस फेज की। एस फेज यानी कि एस का मतलब होता है यहाँ पे सिंथेटिक और सिंथेसिस फेज। तो ये जो फेज होता है इसी के दौरान जो सेल का डीएनए होता है वो अपनी दो कॉपीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि एक डीएनए से दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं और इस प्रोसेस को ही हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। और इस दौरान जो डीएनए कंटेंट है वो तो डबल होता है पर क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, ठीक है। तो जो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है वो किस फेज में हो रही है, वो हो रही है एस फेज में, ठीक है। अब बात करते हैं जी टू फेज की। हालांकि हमें हमारा आंसर मिल गया है पर फिर जी टू भाई साहब नाराज हो जाएंगे, कहेंगे तुमने इन दोनों के बारे में तो बात कर ली, मेरे बारे में डिस्कस नहीं किया। तो हमें किसी को नाराज नहीं करना है। तो जी टू फेज जो है वो आता है रेप्लिकेशन फेज के बाद और इस फेज के दौरान सेल की जो ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है एट द एंड ऑफ द जी टू फेज। और यहाँ पर उन प्रोटीन्स की या उन एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है एम फेज में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारा सही आंसर कौन सा है, तो हमारा सही आंसर है एस फेज। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर।
ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है उसका जो डिवीजन हो रहा है यानी कि सेंट्रोमियर जो स्प्लिट हो रहे हैं वो कौन से फेज में हो रहे हैं मियोसिस की। तो एक बात ध्यान रखना, जो सेंट्रोमियर है उनका जो डिवीजन हो रहा है यानी कि वो जो स्प्लिट हो रहे हैं वो मियोसिस की सेकेंड फेज में हो रहे हैं। कौन से फेज में हो रहे हैं? मियोसिस की सेकेंड फेज में हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन तो हमारे यहाँ से चले गए, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों में से किस फेज में हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले, सबसे पहले जानकारी हासिल करेंगे कि ये सेंट्रोमियर क्या है, फिर मियोसिस के बाकी सारे, मियोसिस सेकेंड के बाकी फेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रोमियर जो है बेसिकली सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है, क्रोमोसोम पर जो प्रेजेंट है, जो कि इन्वॉल्व होता है लिंकिंग सिस्टर क्रोमेटिड्स में एंड असेंबलिंग द काइनेटोकोर। तो क्या है, देखो जैसे कि ये क्या होता है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक पॉइंट से आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस सीक्वेंस जो होता है डीएनए का उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। और यहीं पर प्रेजेंट होती है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सेंट्रोमियर है क्या। अब हम बात करेंगे कि ये स्प्लिट कौन से फेज में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। तो प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहले क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाती है और जो क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट है कि जो क्रोमोसोम है वो अलाइंड होना शुरू हो जाते हैं अपने इक्वेटर पर, इस प्रकार से, ठीक है, वो अलाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं किस पर, अपने इक्वेटर पर, ठीक है। और यहीं से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना वो काइनेटोकोर जो प्रोटीन होती है, ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन वाले थे ना, इस पर अटैच होना चालू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब पोल पुल करना स्टार्ट करते हैं पोल्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट होती है एनाफेज, यहाँ पर होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी तरफ खींचते हैं जिसकी काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच होते हैं, और अपनी तरफ खींचते हैं जिसकी वजह से जो जुड़ाव होता है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में वो टूट जाता है, यानी कि सेंट्रोमियर जो है उसका डिवीजन यहीं पे होता है एनाफेज में। तो यहाँ पर एनाफेज सेकेंड में, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अपने अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, अपने अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है एनाफेज सेकंड, पर फिर भी हम बात करेंगे टीलोफेज सेकंड की, क्यों, क्योंकि इन्हें भी बुरा लग सकता है। यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा वापस आ जाती है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिकंडेंस हो जाते हैं। तो बच्चों सेंट्रोमियर जो हैं वो किस फेज में उनका डिवीजन होता है, उनका डिवीजन होता है एनाफेज सेकंड में। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, वो है कि इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक्स सीक्वेंशियली आर। सिंपली क्वेश्चन है पूछा गया, बट ट्रिक यहाँ पर ये है कि यहाँ पर फर्टिलाइज एम्ब्रायो सेक दे दिया है, तो अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें हैप्लॉइड बताना है, फिर हमें बात करनी है डिप्लॉइड की, और अंत में ट्रिप्लॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनफर्टिलाइज ये है अनफर्टिलाइज एम्ब्रायो, ठीक है, ये है अनफर्टिलाइज एम्ब्रायो सेक। यहाँ पर क्या है, देखो ये माइक्रोपाइल है, यहाँ से ये एंड है इसका, ठीक है, यहीं से एंट्री होती है स्पर्म्स की यानी कि मेल गैमेट्स की। तो ये जो है सबसे पहले आती है यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल्स, ठीक है, ये हैप्लॉइड है, ये कैसी है, हैप्लॉइड है ये, ठीक है। फिर ये है एग सेल, ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। फिर आते हैं ये पोलर न्यूक्लियाई, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर एंट्री होती है मेल स्पर्म्स की,
दो मेल स्पर्म जो हैं वो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो पहले जो एंट्री करता है ना, वो जल्दी से पहचान लेता है एग को और उसके साथ जाके फ्यूज हो जाता है। ये एग हो गया और स्पर्म जो है वो इसके साथ फ्यूज हो गया। एग जो है वो हिप्लॉइड है, ठीक है। एन प्लस एन इज इक्वल टू 2N, इन्होंने क्या बना दिया, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इनने बना दिया डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं जायगॉट, ठीक है। स्पर्म मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यानी कि एग ने आपस में फ्यूज होकर बना दिया डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं जायगॉट, ठीक है। अब दूसरा स्पर्म गुस्सा हो गया, बोला यार तू तो जल्दी से एग के साथ फ्यूज हो गया, मैं क्या करूं, मैं यहाँ वेला बैठा रहा हूँ। उसने कही नहीं भाई, तेरे लिए है ना यहाँ पर पोलर न्यूक्लिया है, तू इसके साथ फ्यूज हो जा, ये तो डिप्लॉइड भी है नेचर में। बोला हाँ ये सही है, मैं इसके साथ फ्यूज हो जाता हूँ, तो ये इसके साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये बनाते हैं मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई मिलके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, जो आगे जाके बनता है एंडोस्पर्म, लेकिन शुरुआत में हम इसको कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो जो हैप्लोइड स्ट्रक्चर की बात करें तो हैप्लोइड स्ट्रक्चर क्या है, सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल्स जो कि है हैप्लोइड। उसके बाद आता है हमारा जायगोट जो कि है डिप्लॉइड, क्योंकि वहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है। और अंत में आता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि है ट्रिप्लॉइड, ठीक है। देखो हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड, ये तीनों स्ट्रक्चर हैं और ये किसके किसके केस में है, फर्टिलाइज एम्ब्रायो के केस में। तो यहां पर हमारा सही उत्तर होगा चौथा वाला, सिनर्जिक जाइगोट और पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपके लिए लगातार नीट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेके आती रहूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कौन सा प्रश्न परेशान कर रहा है, और साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं।